अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो जैन स्वेटर स्टार्ट किया है लार्ज साइज का, आज इसके लास्ट पार्ट है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस स्वेटर की सिलाई हम कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दी है, 5 पार्ट जिसमें मैंने पूरे स्वेटर को बनाना बताया है स्टेप बाई स्टेप। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। पार्ट बाई पार्ट मैंने इसको अपलोड कर दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, और आज इसके फाइनल पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो आज चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम इसकी सिलाई बताएंगे। तो देखिए, सिलाई करने के लिए हमें जो है पहले हम कैसे करेंगे, जो बैक और फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरीके से लेंगे, जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ और जो उल्टी साइड है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है, ये हम दोनों पल्लों की जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ और ये जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ इस तरीके से दबा देंगे ऐसे। और ये देखिए, ये मुद्दे से हमने कटिंग की है, यहाँ से इसको मिलाते हुए ये बॉर्डर तक हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से। और अगर आपने फंदे डाले हैं तो आपकी ऊन इस तरीके से है तो यहाँ से भी आप इसकी सिलाई कर सकती है। तो मैं जो है यहाँ से ही सिलाई करूँगी, एक्स्ट्रा धागा लगा के सुई में, उसके बाद मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इससे सिलाई करूँगी तो ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा। तो मैं एक ही धागे से पूरा जो है एक साइड में सिल लेती हूँ। पहले मैं धागे को सुई में डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सिलाई बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वेटर सिलने की सुई में इसको डाल ली है धागे को, और इतना लंबा मैंने इस धागे को किया है ताकि मेरी जो लगभग सिलाई है वो कंप्लीट हो जाए लास्ट तक। अब देखिए, ये हमारी जो मुद्दा है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर इसको पहले जॉइंट कर लेती हूँ इस तरीके से सुई को डाल के। देखिए, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही फंदे लेंगे ताकि फ्रंट साइड से थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आए इस तरीके से। यहाँ पर गांठ लगा लेंगे ताकि टाइट हो जाए ऐसे। अब देखिए, यहाँ से ये देखिए हम बाद में अंदर की तरफ डाल लेंगे धागे को। यहाँ से देखिए, सुई को यहाँ से डालेंगे और हाफ इंच से कम हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई थोड़ा सा ये ऐसे करके इसको ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे इसको खींच देंगे धागे को ऐसे। फिर जहाँ से हमने ये फंदे को निकाला है, देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से ही इसको ऐसे करेंगे और बराबर करेंगे इन दोनों पल्लों को, और इसको ऐसे सुई को निकाल देंगे ऐसे, थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे करके ताकि ये बराबर हो जाए। फिर से देखिए, यहाँ से सुई को ऐसे डालेंगे, ये हमारी जो है ऊन इस तरफ है और हम सुई यहाँ से डालेंगे इस तरीके से, और पल्लों को हम ऐसे सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसकी सिलाई लगा लेंगे ऐसे, इसको खींच देंगे। फिर से देखिए, यहाँ से सुई को डालेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे ऐसे। फिर से यहाँ से सुई को डालेंगे और इसको यहाँ से निकालेंगे, इतना लंबा करके हम इसको निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड जो है स्वेटर की सिल लेंगे। उसके बाद बाजू में आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसकी सिलाई इस तरीके से यहाँ से लेके बॉर्डर तक इसकी सिलाई लगा लेती हूँ, और उस साइड से भी मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाजू सिलना बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, इस साइड से भी इसकी सिलाई लगा ली है और ये इस साइड से भी। अब मैं आपको बाजू दिखाती हूँ कैसे सिलनी है। ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने बाजू की कटिंग स्टार्ट की है वहाँ से ऊन को लगानी है, और यहाँ से ये बॉर्डर तक इसकी एक सिलाई लगा लेनी है। जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे इसकी सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद इसको कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से ऊन को लगानी है और इसकी ऐसे बराबर हिस्से में इसको ऐसे करके बॉर्डर तक इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो इसको मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी सिलाई मैंने लगा ली है स्लीव की, और स्लीव को मैं अब सीधा कर लूँगी क्योंकि उल्टी साइड से हमें सिलाई करनी है। अब मैं इसको जो है सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से ऐसे, और जहाँ से हमने जॉइंट किया है ये वाला हिस्सा है, ये देखिए यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधा करने के बाद इस स्लीव को हम अंदर की तरफ इस तरीके से डाल देंगे स्वेटर के अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए, ये जो गांठ वाली साइड है इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। देखिए, ये जो हमने साइड से सिलाई की है यहाँ पर इसको ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ से ऊन लगा के सुई में डाल के फिर इसकी पूरा जो राउंड है इसकी सिलाई हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे, ये जो गांठ वाली साइड है इस वाली साइड से मिलाते हुए इसकी सिलाई पूरा कम्प्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉइंट कर ली है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, पहला इस तरीके से एक फंदा एक पल्ले से लेंगे और दूसरा फंदा दूसरे पल्ले से, और इसको ऐसे करके सिल देंगे ऐसे। फिर इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, ऐसे सिल देंगे। तो इसी तरीके से इसको राउंड में हम सिलाई इसकी पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से इसकी लुक आई है, देख सकते हो आप।
ये देखिए इस तरीके से, और इसके बाजू भी मैंने अटैच कर दी है ऐसे, इस तरीके से। अब मैं आपको इसके तैयार लेंथ और जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको। इसकी जो सिलाई करने के बाद चौड़ाई आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंच इसकी चौड़ाई है, और लेंथ जो है इसके टोटल देखिए शोल्डर से बिल्कुल नीचे तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 27 इंच इसके ये लेंथ आई है। और जो बाजू बनी है इसकी लंबाई जो है बाजू की, इसकी जो लेंथ है देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 22 इंच इसकी बाजू की जो लेंथ है वो 22 इंच है, और देखिए इस तरीके से है ये। तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर जो है वीडियो बना के दिखा दी है स्टेप बाय स्टेप। उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सिलाई मैंने आज की वीडियो में बता दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये वाला स्वेटर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखिएगा, थैंक यू।